बड़ा एक स्टिमुलस लेके आए थे, या 2015 में जब चाइनीज थोड़ा मेल्टडाउन हो रहा था, एक बड़ा स्टिमुलस लेके आए। इस बार ही ज्यादा ये कड़ी निंदा के तरफ है कि हम देख रहे हैं ताकतों को, बट ऑन द ग्राउंड ज्यादा इन्होंने नहीं किया। तो उनका जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसमें प्रॉब्लम है, जो नौजवान है उनकी अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नई नौकरियां नहीं आ रही, और इसके चलते कंजम्पशन ठप है, कंजम्पशन नीचे आ गई है। आज सवेरे अनिल जी जब आप एडिटर्स टेक दे रहे थे, आपने फ्लैश भी किया था पीएमआई नंबर्स चाइना का, तो पांचवें महीने लगातार उसका मैन्युफैक्चरिंग 50 से कम है। तो 50 से नीचे नंबर होता है मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इकोनॉमी थोड़ा सीमित हो रही है, 50 के ऊपर एक्सपेंशन है, और जो सर्विसेज में एक्सपेंशन था वो भी ढीला हो रहा है, वो 51 की तरफ आया, और उसका जो एक्सपोर्ट था वो 12% गिर के आया, जून का जो एक्सपोर्ट आंकड़ा आया था। तो चाइना में मंदी है, थोड़ी मंदी ये है कि जहां 5% ग्रो करना चाहिए वहां पे थोड़ा नीचे चल रहे हैं। सेकेंड क्वार्टर का नंबर अच्छा था, 6.3 था, बट वो था जब शंघाई वगैरह पिछले साल इस टाइम पे सारे लॉकडाउन में थे, तो वो ईयर द ईयर ईयर ऑन ईयर एक बेस इफेक्ट से था। आज 3 बजे ऐलान करने वाले हैं कुछ कंजम्पशन को चलते हुए, तो कंजम्पशन में शायद राहत देंगे, हो सकता है कारों पे कुछ राहत दे, घरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्गेज वगैरह में कुछ अगर राहत दे, तो ये सब बात है। 3 बजे चाइना टाइम है, तो हमारे से तो आगे हैं वो, तो हमारे